हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशंस का सीरीज चालू किया था, जो कि मैंने आपको कहा था ये 4 सीरीज का वीडियो आपको मैं बना के दूंगा और यह इसका लास्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने आपको 3 सीरीज दिए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी आपके कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जीके प्लस जीएस के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, वो तो आपको करने ही है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और जितने भी मैं स्लाइड्स आपको दिखाता हूँ, चाहे मैं उसे बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, आपको उसे सबका स्क्रीन शॉट ले लेना है या तो नोट्स बना लेना है, क्योंकि इन एब्रीवेशंस में आपको एग्जाम में 3, 4, 5 जितने भी हो सके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए और टाइम टू टाइम इसे रिकॉल करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, उस समय तक आपको इसे याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड, दिस फर्स्ट स्लाइड, WAP का फुल फॉर्म इसमें दिया गया है। तो पहला होगा आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इज द फुल फॉर्म ऑफ WAP। VRML, VRML का फुल फॉर्म है आपका वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ VRML। UI का फुल फॉर्म होता है आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस इज द फुल फॉर्म फॉर UI। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी द नेक्स्ट स्लाइड इज VAN। VAN का फुल फॉर्म है आपका वर्चुअल एरिया नेटवर्क। जैसे पेन का हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, उसी तरह VAN का भी फुल फॉर्म आपका वर्चुअल एरिया नेटवर्क होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका SIM का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम का। तो सिम तो सबके पास ही है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर इंडिकेशन मॉड्यूल। सब्सक्राइबर इंडिकेशन मॉड्यूल इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम, ठीक है। नेक्स्ट SIU, SIU का फुल फॉर्म होता है सीरियल इंटरफेस यूनिट। सीरियल इंटरफेस यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIU। PNG, PNG का फुल फॉर्म आपका क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG। नेक्स्ट SQL, SQL का फुल फॉर्म देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। नेक्स्ट इज USB, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और बहुत ज्यादा बार जो पूछा जा चुका है, उसे मैं तो सर्कल कर देता हूँ, क्योंकि आपको भी ध्यान में रखना है कि इसे बहुत अच्छे से देख के जाना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। सेम एज BSNL, जैसे हमने पढ़ा था भारत संचार निगम लिमिटेड, तो VSNL का भी फुल फॉर्म होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। वहाँ भारत था, यहाँ विदेश होता है, आपको ध्यान रखना है विदेश संचार निगम लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ VSNL। आप इंटर रिलेट भी करते रहेगा साथ साथ जो आपने पढ़ा है, जैसे BSNL हमने इससे आगे पढ़ा था, तो BSNL से आप इंटर रिलेट इसे भी कर सकते हैं। तो इंटर रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिमाग में ये सब बैठ जाए और एग्जाम तक आप ये सब ना भूले। तो VSNL का हमने पढ़ा विदेश संचार निगम लिमिटेड, वैसे BSNL का हमने पढ़ा था भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बाकी पीछे का सबसे में यहाँ भारत हो जाता है, यहाँ विदेश हो जाता है, तो ऐसे इंटर रिलेट करके पढ़ने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। VDU का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU। नेक्स्ट स्लाइड, WWW, बहुत जगह WWW डॉट आप देखते होंगे, उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML, इससे पहले हमने HTML का फुल फॉर्म तो पढ़ा है पिछले स्लाइड में, जो कि मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो XHTML भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का हमने इससे आगे भी पढ़ा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और ये आपका XHTML का फुल फॉर्म है, जो कि एक्सटेंसिबल टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। ZB का फुल फॉर्म क्या है, KB MB, बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन ZB पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसे हम जेटाबाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, जेटाबाइट। नेक्स्ट स्नोबॉल, SNOBOL, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबलिक लैंग्वेज।
स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबलिक लैंग्वेज, स्टार्टिंग आपका स्ट्रिंग से होता है, फिर ओरिएंटेड सिंबलिक और लैंग्वेज। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड है आपका ओएसआई। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। नेक्स्ट वन इज आरडीएमएस। जब मैंने आपको डीबीएमएस पर डीबीएमएस इससे आगे मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि आरडीएमएस भी आपको आगे के वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। डीबीएमएस में हमने पढ़ा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ आरडीएमएस है तो यहाँ पे रिलेशनल लग जाता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने कहा आप इंटरलिंक करेंगे तो बहुत सारे एक जैसे ही होते हैं, याद करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो इंटर रिलेट कीजिए आप डीबीएमएस से आरडीएमएस को। नेक्स्ट एसएम। एसएम का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर। सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएम। नेक्स्ट वन इज आरटीसी। आरटीसी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, इसे भी मैं सर्कल कर देता हूँ। यह आपका रियल टाइम क्लॉक, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ बहुत बार पूछा जा चुका है, बाकी सब पूछे गए हैं लेकिन ये सब बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यही आपका आज का लास्ट, ये जो मैं आपका कंप्यूटर एब्रिविएशंस करा रहा हूँ उस सीरीज का लास्ट वीडियो था। तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि कम से कम समय में अच्छा आपको वीडियो दे सकूं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दे सकूं, ताकि एग्जाम में आपको वो सब देखने को मिले, ना कि बहुत सारे लंबे लंबे 100-200 क्वेश्चंस बना दूं एक ही वीडियो में, जो कि आप रिकॉल भी ना कर सके और एग्जाम में आपको याद भी ना रहे। तो वैसा मेरा काम नहीं है, मैं आपको बस सिंपली अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट देना चाहता हूं, जो कि कम टाइम में आप पूरा कर सके और एग्जाम में जाके अच्छा आपको हेल्पफुल ये लगे कंटेंट और आप अच्छा मार्क्स उठा सके। बाकी जितने कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के वीडियो है तो आपको जाके देखने ही है, जो भी मैंने पार्ट बनाया है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लस जीके प्लस जीएस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए, बल्कि जितने भी प्रीवियसली पूछे गए जीके प्लस जीएस है मैं सब यहाँ पे दे दिया हूँ। ये आपका सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए ही नहीं, जितने भी असम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका सिलेबस एक ही होता है, जीके प्लस जीएस किसी में भी अलग नहीं होता, स्टेटिक जीके जीएस जो भी है सब वही रहता है आपका। और मैथ्स के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो जाके उन्हें देखिए, बहुत हेल्प मिलने वाला है आपको इन सबसे। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है आपसे बचाना ही रहे और आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिले एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।